हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरोही और इस वीडियो में बताऊंगी कि वजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है और क्या वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि योनि से सफ़ेद पानी आना आपके लिए हो सकता है खतरे के घंटे, या आपके हेल्थ के बारे में क्या बताता है, क्या कहता है, चलिए सुनते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वाइट डिस्चार्ज कब से शुरू हो जाता है। आपके फर्स्ट पीरियड, जब आपका फर्स्ट पीरियड आता है उसी के बाद से ही वजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, यानी कि योनि से सफ़ेद पानी का रिसाव होता है हर महीने। और इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती कि इसी टाइम होती है, लेकिन हाँ, जब पीरियड शुरू होने के होता है या फिर पीरियड जब खत्म होता है उसके बाद ही इसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि क्यों जरूरी है वजाइनल डिस्चार्ज, सफेद पानी का आना यानी वजाइनल डिस्चार्ज क्या है। हमारे लिए हमारे नेचर में, हमारी बॉडी में खुद से ही अपनी क्लीनिंग करने के लिए ये चीज़ें की हुई हैं वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज जो होती है वो आपकी योनि को, यानी कि आपकी योनि का पीएच लेवल जो होता है उसको मेंटेन रखता है। अगर पीएच लेवल ज़्यादा डाउन हुआ तो भी उसमें इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियाज होंगी। अगर ये ज़्यादा हाई हो गया उसके बाद भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस वजह से हर महीने और कभी कभी ज़्यादा मात्रा में भी वजाइनल डिस्चार्ज होता है, ताकि आपकी वजाइनल क्लीनिंग हाइजीन मेंटेन रहे। अब बात करते हैं कि कितना आना चाहिए, कितना है नॉर्मल। वैसे वजाइनल डिस्चार्ज जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी मात्रा जो है 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून तक है। इससे ज़्यादा नॉर्मली नहीं होता, लेकिन कई बार इससे ज़्यादा भी हो जाता है। अगर रेगुलरली आप देख रहे हैं कि ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज हो रही है तो फिर आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज चिपचिपी ज़्यादा नहीं होती और उसी के साथ ना इसमें कोई स्मेल होता है जिसके वजह से इरिटेशन हो। अगर इसमें बैक्टीरियाज हो गए हैं तो फिर इसमें से स्मेल्स आती हैं बहुत ही, जैसे कि कोई सड़ी हुई मछली की तरह, या फिर हल्के जो फिसीनेस स्मेल होती हैं और उसी के साथ अजीब तरह की दुर्गंध आती है। एक अच्छी डाइट के साथ आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसी के साथ कुछ होम रेमेडीज़ भी है जिसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फीमेल्स, कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, ताकि बहुत सारी महिलाओं की ये समस्या दूर हो सके। थैंक यू सो मच।